के चंद्रनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर चोर दंपति को गिरफ्तार किया। पकड़े गए पति पत्नी से करीबन 210 ग्राम सोना व 400 ग्राम चांदी पुलिस ने जब्त की है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कुछ दिन पहले पति पत्नी ने चंद्रनगर थाना क्षेत्र के सिरपुर में ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया था। इंदौर की चंद्रनगर पुलिस एक ऐसे पति पत्नी को गिरफ्तार करने में सफल हुई है जो कि ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते थे। वहीं पकड़े गए पति पत्नी कैलाश व माया ने चंद्रनगर थाना क्षेत्र में करीब 4 ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाते हुए 210 ग्राम सोना व 400 ग्राम चांदी की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया था। इसकी कीमत पुलिस द्वारा 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं डीआईजी मनीष कपूरिया ने बताया कि पकड़े गए पति पत्नी कैलाश व माया ज्वेलर्स की दुकान में ज्वेलरी खरीदने के बहाने जाते थे और वहां से बिना खरीदे सोने चांदी की ज्वेलरी लेकर फरार हो जाते थे। वहीं पुलिस ने चंद्रनगर थाना क्षेत्र के लगभग हजारों सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पति पत्नी कैलाश व माया को गिरफ्तार किया है। सबसे पहले मैं एक आग्रह करूंगा सभी बंधुओं से कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनका अनिवार्यता पालन करें। आप लोग फ्रंटलाइन पर रहते हैं, सतत रूप से आप बाहर रहते हैं, भीड़ भरे इलाकों में भी रहते हैं, इन्फेक्टेड एरिया में भी जाते हैं, तो अपनी भी सुरक्षा रखें और परिवार को भी सुरक्षित रखें। मास्क अनिवार्य रूप से पहनें और जो अन्य गाइडलाइंस हैं उनका भी अनुपालन करेंगे, ये स्टैंडिंग रिक्वेस्ट है। इसके अलावा जो आज आपको पीसी में बुलाया उसके पीछे मकसद था कि कुछ दिन से वारदातें ऐसी हो रही थी कि सुनार की दुकान पे जा कर के और ख़रीदार के भेष में अपराधी आते थे और फिर सामग्री देखते थे, सोने के जेवरात, और कुछ खरीदा ना खरीदा और फिर चले जाते थे, और जब वापस सुनार अपना सामग्री देखते थे अपने सामान को तो उसमें से कुछ कमी निकल जाती थी, और ये थोड़ा सा सनसनीखेज था क्योंकि सीधे सीधे इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़ा है। और इसके क्रम में चंद्रनगर पुलिस ने इसको सीरियसली लिया, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले और अपना मैनुअल इंटेलिजेंस भी लगाया था, जिसके क्रम में एक दंपत्ति को इसमें मैं माल के पकड़ा गया है, जो कि वास्तविक रूप से उन्होंने इस प्रकार से चोरी किया था। इनको हिरासत में लेके इनसे पूछताछ की जा रही है अन्य अपराधों के संबंध में भी, और हमें आशा है कि इस प्रकार की वारदातों पे अब अंकुश लग पाएगा। इसमें हमारे चंदननगर के टीआई तोमर, सीएसपी अन्नपूर्णा परिहार, वहाँ के एडिशनल एसपी चौबे जी और वेस्ट एसपी महेश जैन साहब ने विशेष रूप से इसको प्रयास किया था और जिसके परिणाम स्वरूप ये वारदात ट्रेस हो सकी। अभी 210 ग्राम 210 ग्राम सोना है और 400 ग्राम चांदी है, और ये इंटरेस्टिंग है कि हाथ की सफाई सबके सामने, क्योंकि वहाँ अधिकांशतः सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते रहे हैं और इसके बावजूद इतनी सफाई से ये वारदात को अंजाम दिया जाता रहा है, तो ये एक अच्छा कैच किया गया। हाँ, इनसे पूछताछ की जा रही है कि इन्होंने अन्य वारदातें कहाँ कहाँ की हैं, अभी इस संबंध में अनुसंधान चल रहा है। सर, इसमें जो महिला है और एक जो बाइक सवार है वही आरोपी है क्या? जी हाँ, ये पति पत्नी है मूल रूप से, और जी हाँ, और जी हाँ, नहीं नहीं हम सुन लेंगे, आप मास्क लगा लो, आप उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। सर, ड्रग्स के बारे में जीरो टॉलरेंस है और हर स्तर पे इसमें कार्रवाई की जा रही है। पहले इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, प्रॉपर अरेस्टिंग और फिर उनका प्रॉपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है।